राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर हीरासर एयरपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान। आज हम जानेंगे राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो पे कमेंट और लाइक तो बनता ही है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम हीरासर एयरपोर्ट से भी जानते हैं, भारत के गुजरात के राजकोट शहर की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद यह गुजरात का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को हीरासर में नए हवाई अड्डे के लिए भूमि पूजन समारोह की अध्यक्षता की थी। नवा हवाई अड्डा नेशनल हाईवे 27 के पास स्थित है और राजकोट से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी, हालांकि यह समय से पहले ही पूरा हो गया और 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के बाद भारतीय राज्य गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के केंद्र में है। राजकोट भारत का 35वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, जिसकी आबादी 2021 तक 2 मिलियन से अधिक थी। राजकोट भारत का छठा सबसे स्वच्छ शहर है और मार्च 2021 तक यह दुनिया का 7वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। शहर में राजकोट जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो राज्य की राजधानी गांधीनगर से 245 किलोमीटर दूर है। राजकोट अजी और न्यारी नदियों के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, अगर हम राजकोट की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो 1 नवंबर 1956 को बॉम्बे राज्य में विलय से पहले राजकोट 15 अप्रैल 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक सौराष्ट्र राज्य की राजधानी थी। राजकोट को 1 मई 1960 को गुजरात राज्य में पुनः शामिल किया गया था। राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और राजकोट नगर निगम ने बड़े विमानों को समायोजित करने और 4 एयरबस A320 और बोइंग 737 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए एक एप्रन बनाने के लिए रनवे को 5,400 फीट से 6,000 फीट तक बढ़ाने की योजना प्रस्तावित की, जो मुंबई के अलावा प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा। कार्गो की हैंडलिंग और परिवहन के लिए राजकोट में स्थित विनिर्माण कंपनियों की बड़ी मांग को पूरा करेगा। शहर के विस्तार और इसके आसपास के आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के कारण हवाई अड्डा वर्तमान में काफ़ी क्षमता बाधाओं से ग्रस्त है, जो रनवे को 1800 मीटर से आगे बढ़ाने की योजना को अव्यवहारिक बनाता है। पर यह एयरबस 320 और बोइंग 737, जो हवाई अड्डे से संचालित होने वाले सबसे बड़े विमान हैं, से बड़े विमानों की सेवा में देने में असमर्थ हैं। इसी वजह से एक पूरी तरह से नए हवाई अड्डे की योजना शुरू की गई और 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ। हवाई अड्डे के लिए साइट क्लियरेंस की मंजूरी भारत सरकार द्वारा मई 2017 में दी गई थी। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण निविदा प्रक्रिया में कुछ महीनों की देरी हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण निविदा के लिए बोली लगाने वालों में एपकॉन्स, दिलीप बिल्डकॉन, गायत्री प्रोजेक्ट्स, लार्सन एंड टर्बो और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। द्वितीय बोलियां 9 अगस्त 2018 को खोली गई और दिलीप बिल्डकॉन सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में आगे आए थे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 28 फरवरी 2019 को इस परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद
मार्च 2019 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 648 करोड़ का EPC अनुबंध किया। निर्माण को 30 महीने के भीतर पूरा करने की समय सीमा दी गई थी। केंद्र सरकार ने शुरुआत में इस परियोजना के लिए 1405 करोड़ मंजूर किए थे। जून 2019 में राशि को संशोधित कर 2654 करोड़ कर दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और जानने लायक है कि ये पूरा हवाई अड्डा है वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये ग्रीनफील्ड क्या है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड परियोजना विशेषताओं वाली एक विमान सुविधा है। उदाहरण के लिए पहले से अविकसित या खाली ग्रीनफील्ड भूमि का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर हीरासर एयरपोर्ट के बारे में कुछ बातें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।